Hello, good morning. How are you? This is Rajesh Yadav and you are watching my YouTube channel English Today by Rajesh Sir. Friends, in today's video, I will show you some words which are used in place of good. Friends, कुछ ऐसे शब्द हैं आज के वीडियो में जिनका प्रयोग आप गुड के बदले इफेक्ट डालने के लिए बहुत ही एक अट्रैक्टिव इफेक्ट डालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. कहीं पर गुड बोलने की आवश्यकता हो और आपको लग रहा हो कि हम गुड ना बोलकर कुछ अन्य शब्द को बोले तो वहाँ पर इन शब्दों को आप बोल सकते हैं जिसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा. तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यूज़ ऑफ अनदर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ गुड, गुड के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग. फर्स्ट रेट, फर्स्ट है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रेट आप बोल सकते हैं. फैबुलस, एक्सीलेंट, डिलाइटफुल, मैग्निफिशेंट, सुपर्ब, सुपर्ब का भी प्रयोग करते हैं आप. ग्लोरियस, वंडरफुल, डेजलिंग, बिनाइन, सौभाग्यपूर्ण, अच्छे तरीके से, ठीक है. ब्रिलियंट, इनक्रेडिबल, सुप्रीम, अपराइट, डिसेंट, नोबल, आशम, सुपीरियर, मार्वलस, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, ग्रैंड, नाइस, परफेक्ट, एस्टोनिशिंग, एक्साइटिंग, ब्लेमलेस, स्पॉटलेस. फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग आप गुड के बदले करेंगे. अक्सर इसमें कुछ वर्ड ऐसे भी जिनका यूज़ आप खूब करते हैं. आप फर्स्ट रेट का प्रयोग करते हैं, उच्च श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का, फैबुलस शानदार, एक्सीलेंट बहुत ही बढ़िया, डिलाइटफुल आनंददायक, मैग्निफिशेंट शानदार, सुपर्ब बहुत अच्छा, ग्लोरियस शानदार गौरवशाली, वंडरफुल आश्चर्यजनक बहुत बढ़िया, डेजलिंग बहुत चकाचौंध कर देने वाला बहुत ही आकर्षक, बिनाइन सौभाग्यपूर्ण अच्छा बहुत ही सुंदर, ब्रिलियंट सुंदर बहुत ही बढ़िया, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय अच्छा, सुप्रीम सर्वोच्च, अपराइट अपराइट सीधा, सरल शब्दों में सीधा साधा बहुत ही अच्छा, डिसेंट अच्छा, नोबल उत्तम आप जानते ही हैं, आसम आसम का प्रयोग भी बहुत जबरदस्त करते हो आप लोग. जैसे कि किसी के पिक पे आप कमेंट करते हो तो वहाँ लिखते हैं आशम, आशम का मतलब ही होता है बहुत ही अच्छा, शानदार, लाजवाब, सुपीरियर श्रेष्ठ, मार्वलस अद्भुत, रिमार्केबल उल्लेखनीय, आउटस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया, ग्रैंड शानदार, नाइस अच्छा सुंदर, परफेक्ट पूर्ण, एस्टोनिशिंग अद्भुत आश्चर्यजनक, एक्साइटिंग बड़ा ही रोचक, ब्लेमलेस बिना किसी आरोप का, आरोप रहित, स्पॉटलेस बेदाग बहुत ही अच्छा. तो फ्रेंड्स ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग आप गुड के बदले कर सकते हैं. आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक ही शब्द का बहुत अर्थ होते हैं. ध्यान दीजिएगा, हम एक ही शब्द को अलग अलग जगहों पे सेंटेंस के मुताबिक, अर्थ के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग आप गुड के बदले निस्संदेह कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होगा. फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू.